दोस्तों, जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है जहां अक्सर लोग एक छोटे से देश को और उसकी ताकत को और उसकी कैपेबिलिटी को भी अंडरएस्टिमेट करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जापान दुनिया का दूसरा सबसे डेवलप्ड देश है और ये एक छोटा सा, एक हमारे राजस्थान के बराबर के आकार का देश साल भर में जितनी संपत्ति जनरेट करता है उतना हमारा पूरा देश भी नहीं कर सकता। इसीलिए जापान जीडीपी में दूसरे नंबर पर आता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यहाँ के लोगों को हर चीज़ को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज़ करना आता है और जहाँ यूएसए जैसे देश हर चीज़ को एक कदम आगे सोचते हैं, जापान उसी में उस चीज़ को चार कदम आगे सोचता है। और यही रीज़न है कि जापानीज टेक्नोलॉजी दुनिया को सबसे एडवांस और सबसे इफ़िशियंट और सबसे ज़्यादा मार्केटेड टेक्नोलॉजी है। 30-35 साल पहले जब जापानीज इकोनॉमी को झटका लगा था तो उस इकोनॉमी को बचाने के लिए आज वहाँ जो भी है ना, वो मानो किसी अदर टाइम मशीन में बैठा दिया गया हो। मतलब कि अगर आप कहना चाहें तो उस इकोनॉमी को बचाने के लिए जापानीज लोगों ने ऐसे ऐसे न्यू आइडियाज़ निकाले कि आज वहाँ जो भी जाता है उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे किसी टाइम मशीन में बैठा दिया गया हो और वह हज़ारों साल आगे पहुँच गया हो। और फ्रेंड्स, इस बात का प्रूफ तो लोगों ने वहाँ जाकर दिया है। उन्होंने बताया है कि वहाँ ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ देखी और ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि ऐसी चीज़ों को उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी या सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसी चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी चीज़ों का भी सामना कभी करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों को बताएंगे जो कि जापान की 10 माइंड ब्लोइंग बातों को साबित कर देगा कि हाँ, कि जापान 2021 में नहीं 3021 में रहता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 10 पर हम बात करने जा रहे हैं वेंडिंग मशीन की। फ्रेंड्स, आपने स्कूल या ऑफिस में या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा, लेकिन जहां हमारे शहरों में बस कुछ चंद जगहों पर ही वेंडिंग मशीन्स पाए जाते हैं, वहीं जापान में आपको हर 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक वेंडिंग मशीन ज़रूर मिलेगा। पूरे देश में 5.5 मिलियन से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन है, जिसका मतलब वहाँ के हर 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है। लेकिन ये लोग इतना चिप्स और चॉकलेट्स कैसे खा लेते हैं भाई? आखिर वेंडिंग मशीन में तो यही सब मिलता है, क्यों, है ना? वेल नॉट जापान, क्योंकि इन वेंडिंग मशीन में सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, जापान की वेंडिंग मशीन से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ भी हमारा मतलब है सब कुछ। चिप्स, चॉकलेट, सोडा तो बहुत आम चीज़ है। यहाँ के वेंडिंग मशीन में सब्जी, दूध, अंडे, अंडरवियर, फ्लावर्स, बर्गर्स, अम्ब्रेला, यहाँ तक कि पपीज भी बेचे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 9 पर हम बात करेंगे कैप्सूल होटल की। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहाँ कैप्सूल होटल का ट्रेंड है। कैप्सूल होटल्स असल में कॉम्पैक्ट और बहुत छोटे होटल्स होते हैं जहाँ रूम्स पॉट की तरह होते हैं और एक के ऊपर एक स्टैक की तरह किए हुए होते हैं और एक के ऊपर एक बिल्कुल जैसे स्टैक्स लगाई जाती है ना, सेम एज इट इज़। आपका रूम इतना बड़ा तो होगा कि आप आराम से लेट सकते हैं और बिना छत से टकराए बैठ भी सकते हैं। इन छोटे रूम्स में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल है। चार्जिंग बोर्ड, बेड, पिलो, सामान टांगने के लिए हुक्स, छोटा सा सेल्फ एंड लाइट बाथरूम और टॉयलेट कम्युनल होते हैं, लेकिन बहुत ही साफ सुथरे भी होते हैं। ये होटल्स आमतौर पर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के आसपास बनाए जाते हैं ताकि किसी कारणवश अगर आपको अनजान शहर में रात भर रुकना पड़ जाए तो आप इन्हीं होटल्स में आराम से रुक सकते हैं। चाहे आप गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो को देखने के बाद ही गूगल कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये साइफाई मूवी के सीन्स जैसे लगते हैं या नहीं। नंबर 8 पर है होटल विथ रोबोट स्टाफ। ये होटल टोक्यो में है जिसका नाम है ना होटल जो कि द वेयर्ड होटल से भी ट्रांसलेट होता है और बहुत ही फेमस भी है। इस होटल के स्टाफ में केवल 10 लोग ही इंसान हैं और बाकी सभी रोबोट्स हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहाँ के स्टाफ में सिर्फ रोबोट ही हैं और जो इंसान हैं वो भी सिर्फ इन रोबोट्स की देखभाल के लिए ही रखे गए हैं। रिसेप्शनिस्ट से लेकर वेटर तक, यहाँ तक कि साफ सफाई करने वाले अटेंडेंट्स तक, सब भी रोबोट्स हैं। अब ये क्या हुआ, 3021 का ही तो नज़ारा हुआ ना दोस्तों।
नंबर 7 पर है जापानीज टॉयलेट्स। जापानीज टॉयलेट्स अनडाउटेडली दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हाई टच टॉयलेट होते हैं। ये टॉयलेट सिर्फ आपके सुसु पॉटी का ही ध्यान नहीं रखते बल्कि आपकी हर दूसरी जरूरत के अनुसार भी डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आप टॉयलेट यूज करना चाहते हैं पर आप अपने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, नो प्रॉब्लम। यहाँ के हर टॉयलेट में दीवार से अटैच बेबी चेयर भी होती है जिसमें आप अपने बच्चे को बिठाकर आराम से टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। लूज मोशन है, नो प्रॉब्लम। इन टॉयलेट में बटन्स होते हैं जिन्हें दबाकर आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं ताकि कोई बाहरी इंसान आपके पेट से निकलने वाले डायरेक्ट की आवाज को ना सुन सके। कई टॉयलेट में तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है, आपके टॉयलेट यूज करने के बाद टॉयलेट में खुशबू फैला देता है। ये टॉयलेट बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं और फ्लश टैंक के ऊपर ही हाथ धोने के लिए सिंक भी अटैच होता है ताकि जो पानी आप हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, कहीं या कहीं वही पानी रिसाइकल होकर फ्लश में यूज हो जाता है। अब इसे कहते हैं ना फ्यूचर इनोवेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 6 पर है ग्रॉसरी स्टोर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। जापानीज लोग बाय नेचर बहुत ही ऑनेस्ट और मॉरल होते हैं, इसी कारण यहाँ के कई ग्रॉसरी स्टोर्स में कोई इंसान ही नहीं होता। ये ग्रॉसरी स्टोर्स बिल्कुल खाली होते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रॉसरी ही ग्रॉसरी दिखाई पड़ेगी। आप जो चाहिए आप ले लीजिए और उसका पैसा काउंटर पर रखे जार में डाल सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है ना, आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो ज़रूर होगा, लेकिन नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग इतने सच्चे, ट्रस्टवर्दी और इतने ऑनेस्ट होते हैं कि वे चोरी करते ही नहीं। इसके अलावा यहाँ ग्रोसरी स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स में आपको कई विचित्र नज़ारे दिखाई पड़ेंगे, स्क्वायर शेप्ड फ्रूट्स ताकि आप उन्हें फ्रिज में आसानी से रख सकें, च्यूइंग गम जिसके अंदर आपको पेपर भी मिलता है ताकि आप गम को उसमें थूक कर फेंक सकें, बियर कैन जिसमें ब्रेल में ऊपर अल्कोहलिक लिखा होता है ताकि ब्लाइंड लोगों को फर्क करने में प्रॉब्लम ना हो, रेफ्रिजरेटर लॉकर ताकि आप अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग उसमें रख सके और आगे की शॉपिंग को कंटिन्यू कर सके, और भी बहुत कुछ जो इस वीडियो में मैं पूरा तो कवर नहीं कर सकती फ्रेंड्स। नंबर 5 पर हम बात करेंगे स्मार्ट ब्रा की। जी हाँ फ्रेंड्स, इस देश में टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन और शॉप्स में ही नहीं बल्कि कपड़ों में भी पाई जाती है। ये स्मार्ट ब्रा जिसका नाम है ट्रू लव टेस्टर, सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा ना, नहीं नहीं आगे सुनिए। ऐसी टेक्नोलॉजी से इन्फ्यूज्ड है, जो औरत इसे पहनती है उस औरत की फीलिंग से ये ब्रा हर पल मॉनिटर कर पाती है और ब्लूटूथ के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन में पूरी तरह से फीड कर देती है। इन इमोशंस के इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके वो एप्लीकेशन सेंसर को बताता है कि क्या लड़की चाहती है कि सामने वाला उसकी ब्रा खोले या नहीं। ओ हो कि सामने वाला, अब आप समझ ही जाइए, अगर लड़की इंटरेस्टिंग है तो आदमी लकी है, वरना सॉरी फ्रेंड्स आज तुम्हारा लक खराब है। अब भी अगर जापान जाए तो अपनी जीएफ के लिए ला ही सकते हैं ऐसी ब्रा को एज अ गिफ्ट, टेस्ट कर सकते हैं और अपने प्यार की ताकत को भी। नंबर 4 पर है जापानीज रेस्टोरेंट। शायद पूरी दुनिया में जापान के ही रेस्टोरेंट होंगे जहां आपको खाना बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा कि पोस्टर में दिखता है। आप जहां भी गए होंगे एटलीस्ट एक बार तो डिसअपॉइंट ज़रूर हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जैसा पोस्टर में दिखता है असल में वो मिलता ही नहीं, लेकिन आपको जापान में एक बार भी ऐसा फील नहीं होगा क्योंकि जितनी ऊंचाई कॉफ़ी के टॉपिंग स्टारबक्स के पोस्टर में बनी थी उतनी ही ज़्यादा टॉपिंग हमें असल में भी मिली। इनफैक्ट यहाँ के कई रेस्टोरेंट्स में मेन्यू तो मिलता ही है पर शो केसेस में उस मेन्यू की हर डिश को एक फेक प्लास्टिक मॉडल भी बना दिया गया होता है जो आप देख सकते हैं और वो बिल्कुल हूबहू रियल लाइफ डिश की तरह ही दिखेगा, और इसे देखने के बाद आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। फन ना दोस्तों, राइट? पर एक और चीज़, अगर आप जापान में अपने प्रेमी के साथ जा रहे हैं तो आपको मिंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के रेस्टोरेंट में टूथपिक्स की टिप पर मिंट लगा होता है ताकि आप अपने दांत के खाना को निकालने के लिए, आपको साथ ही साथ मुंह फ्रेश करने के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती।
नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान हमारा पूरा का पूरा डेवलप देश है और नंबर 2 पर भी आता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें जापान लगभग का लगभग बर्बाद हो गया था। इसके बावजूद जापान ने खुद को खड़ा किया और दुनिया का इकोनॉमी में आज दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिकल बन के खड़ा हो गया है। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि जापान के लोग कितने मेहनती लगन से काम करने वाले होते हैं, और साथ ही साथ जापान ने ये भी दिखा दिया कि अगर चाह है तो राह मुश्किल नहीं होती। और जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में भी आपको बताया कि जापान के लोग कितने ही बेहद ईमानदार होते हैं, तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके डेवलपमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं है। नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं ग्लो इन द डार्क टैटूज की। और फ्रेंड्स, ये चीज़ तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। पहले तो मैं भी बनवाना चाहती थी, पर मम्मी ने कभी बनवाने ही नहीं दिया। पर अब लगता है कि बनवा लिया होता तो कहीं दीपिका पादुकोण वाली हालत ना हो जाए। लेकिन दिस टैटू वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये टैटू चिप्स के पैकेट में आने वाले बच्चों वाले ग्लो इन द डार्क टैटू जैसे नहीं होते, ये ग्लो इन द डार्क टैटू परमानेंट होते हैं। और इन टैटूज को बनवाने के लिए जो इंक यूज होती है उसमें स्पेशल अल्ट्रा वॉलेट टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड होती है, जिससे कि अंधेरे में ये टैटू ग्लो करते हैं। और इनमें भी कई सारी वैरायटीज होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैटू सिर्फ अंधेरे में ही दिखे तो आप वो भी बनवा सकते हैं, और सिर्फ अंधेरे में दिखे तो उसे तो बनवा ही लीजिए। अगर आप ये भी चाहते हैं कि नॉर्मली भी दिखे तो आप वो भी बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी मॉम एंड डैड के डर से टैटू नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप जापान के इस टेक्नोलॉजी से अपना टैटू बनवाने का ड्रीम तो पूरा कर ही सकते हैं। अब एट लास्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की। जापान की बुलेट ट्रेन तो पूरी दुनिया में ही फेमस है ही, लेकिन यहाँ की इन बुलेट ट्रेन्स की सिर्फ स्पीड ही माइंड ब्लोइंग नहीं है। टोक्यो की योरिका मॉम लाइंस की ट्रेन में कोई ड्राइवर ही नहीं होता, और ये ट्रेन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इसके अलावा इन ट्रेन्स में कई एडिशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि सेल्यूलेट, स्मोकिंग एरियाज, बेबी चेयर एंड फूड बाथ्स, ताकि आप अपने सुहाने सफ़र को और सुहाना बना सके। इनफैक्ट फ्रेंड्स, टोक्यो में स्थित चीबा अर्बन मेमोरियल सिस्टम में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसका ट्रैक हवा में है और ट्रेन उल्टी लटकी हुई चलती है। इस दुनिया की एक इकलौती सस्पेंडेड उल्टी लटक कर चलने वाली ट्रेन है, और शायद फ्रेंड्स इससे फ्यूचर टेक चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कैरीनेस सिर्फ रेलवे लाइंस पर ही नहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि रोड पर भी डायगनल जेब्रा क्रॉसिंग होती है, ताकि लोग स्ट्रीट को डायगनली क्रॉस कर सकें। डायगनल जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ देखा है ऐसा कुछ आपने? और डेकोरेटेड मैनहोल्स, ये भी कहाँ देखा है आपने? दोस्तों, जापान एक बहुत ही छोटा देश है। ये इस कहावत का जीता जागता एग्जांपल है कि कभी भी किसी चीज़ को उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको जापान के 10 माइंड ब्लोइंग एंड इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट चीज़ें बताई। अगर आपको कभी फ्यूचर में जापान जाने को मिले तो आप कौन कौन सी जगह को सबसे पहले घूमना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी माने तो आपको हर एक चीज़ का आनंद लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और सभी के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि जापान में कौन कौन सी चीज़ें इतनी अच्छी हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आने वाले समय में आपको सबसे पहले मिलें।